पे फर्स्ट यूनिट से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। उसके आधार पर काफी कुछ बातें हम लोगों ने जाना और सीखा। अब चैप्टर के समापन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही जो इससे पिछली वाले वीडियो में पेज के बीच में क्या लिख दिए थे क्लोरोफॉर्म, आज उसी से संबंधित हम लोगों को जानकारी देना है। हम लोग जानेंगे कि क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जिसके लिए आप लोग कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी, कैपिटल ए नंबर की हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। अब इसके अंतर्गत लिखना होगा, लिखना नहीं होगा, इसमें भी अब नंबर एक की हेडिंग लिखेगा। नंबर एक की हेडिंग लिखिए, एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से एल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया द्वारा by the reaction of chlorophore from chlorophore। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लिखिए, प्रयोगशाला में एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराई जाती है तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। केवल और केवल ये पहली वाले रिएक्शन लिखिएगा, यही वाले रिएक्शन केवल लिखिए, बस ये रिएक्शन केवल लिखिए। इसे दर्शाने के बाद फिर पॉइंट बना के लिखिए, एसिटाल्डिहाइड को ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्रिया कराने पर क्लोरल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अब ये दूसरी वाली रिएक्शन दर्शाइए, इस वाले रिएक्शन को दर्शाइए, एसिटाल्डिहाइड ब्रिजिंग चूर से क्रिया क्लोरल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दर्शाने के बाद फिर आप पॉइंट बना के लिखिए, जब क्लोरल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरल की क्रिया किससे कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है।
ये लास्ट वाले रेयर सदस्य है क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरोफार और कैल्शियम एसीटेट का फार्मेसूटिकल। ये तो किसकी बातें थी, क्लोरोफार्म के प्रिपरेशन मेथड के बारे में। क्लोरोफार्म के प्रिपरेशन मेथड की बात किया जाए तो एक दो अभिक्रियाएं और भी होती हैं, एक दो अभिक्रियाएं और भी होती हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं, उसके बारे में उतनी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बातें समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अब कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर एक लिखिए, यह रंगहीन, यह रंगहीन तथा मीठी गंध वाला, रंगहीन तथा मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है, ज्वलनशील द्रव होता है। नंबर दो, यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय परंतु एल्कोहल व ईथर में, परंतु एल्कोहल व ईथर में विलेय होता है, एल्कोहल व ईथर में विलेय होता है। नंबर तीन लिखिए, इसकी वाष्प सूखने पर, इसकी वाष्प सूखने पर निश्चेतना आ जाती है, इसकी वाष्प सूखने पर निश्चेतना आ जाती है। इसी गुण के कारण, इसी गुण के कारण इसका उपयोग, इसी गुण के कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप कैपिटल सी नंबर की, केमिकल प्रॉपर्टीज। शल्य चिकित्सा मतलब होता है ना कि कहाँ यूज किया जाता है, हॉस्पिटल में किसके लिए किया जाता है, बेहोशी उत्पन्न करने के लिए किया जाता था काफ ऑपरेशन के दौरान, लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ये होते थे कि इससे आदमी को जब बेहोश किया जाता था तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि वो परमानेंट बेहोश ही रहता था, इसलिए अब इसका प्रयोग नहीं करते। कैपिटल सी नंबर की हेडिंग लिखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर एक की हेडिंग लिखिएगा ऑक्सीडेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर एक की हेडिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इसके अंतर्गत लिखिएगा। ऑक्सीडेशन हेडिंग में लिखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में वायु के साथ, वायु के साथ क्रिया करके, वायु के साथ क्रिया करके विषैली गैस, वायु के साथ क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन बना लेता है, वायु के साथ क्रिया करके विषैली गैस फॉस्जीन बना लेता है।
रिफ्लेक्शन को दर्शाना होगा। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश के उपस्थित में वायु से क्रिया करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्फीन कार्बोनिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। साथ में क्या बनेगा? Cl2 बनेगा और प्लस क्या बनता है? H2। प्लस क्या होगा? H2। दर्शाने के बाद हीटिंग देखेगा रीमार्क। दर्शाने के बाद रीमार्क। अब आते सुनिए, क्लोरोफॉर्म की बात किया जाए तो क्या होता है? क्वेश्चन सुनिए फिर बन दिखाते हैं आंसर। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में वायु से क्रिया करके एक विषैली गैस फॉस्फीन बना लेता है। इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है? अंधेरे कमरे में, क्योंकि जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस पाएगा इमीडिएट किसका फॉर्मेशन कर लेगा? एक पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्फीन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए इसे सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखते। हेडिंग है रिमार्क, इसके अंतर्गत लिखिएगा क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतल में ऊपर तक भर कर रखा जाता है, जिससे प्रकाश और वायु अंदर ना पहुंच सके, क्योंकि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थित में वायु के साथ क्रिया करके एक विषैली गैस फॉस्फीन बना लेता है। आप फिर बात सुनिए, क्लोरोफॉर्म में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एल्कोहल को मिला के रखने से फायदा यह होता है कि जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो फॉस्फीन गैस जो बनती है एल्कोहल उसे एथिल कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित कर देता है, जिससे विषैलापन कम हो जाता है। बस हम क्लोरोफॉर्म में कभी कभी क्या करते हैं, 1% एल्कोहल को मिला देते हैं। 1% एल्कोहल मिलाने से बेनिफिट क्या होता है? फायदा ये होता है कि वो जो फॉस्फीन होती है एल्कोहल उसे एथिल कार्बोनेट बना करके बाहर भेज देता है। इसीलिए इसमें क्या मिला देते हैं? एल्कोहल मिला देते हैं। इस बात को भी पॉइंट बना करके लिख लीजिए। देखिए, क्लोरोफॉर्म में एक प्रतिशत एल्कोहल मिला दिया जाता है, 1% एल्कोहल मिला दिया जाता है, क्योंकि एल्कोहल फॉस्फीन से क्रिया करके डाइएथिल कार्बोनेट बना लेता है जो विषैला नहीं होता है।
का एथिल क्या बना लेते हैं, कार्बोनेट बना लेता और यह कैसा होता है, विषैला नहीं होता है। इस रिएक्शन को दर्शा दीजिए। दर्शाने के बाद नंबर दो की अब आप लोग हेडिंग लिखिए, रिडक्शन। नंबर दो की हेडिंग लिखिएगा रिडक्शन। अब इसके अंतर्गत लिखिए क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म को जिंक प्लस एल्कोहल की उपस्थित में, अपचयित करने पर, अपचयित करने पर मेथेन प्राप्त होता है, की उपस्थित में अपचयित करने पर मेथेन प्राप्त होता है। उपस्थित में अपचयित करने पर मेथेन प्राप्त होता है। दर्शा दीजिए, क्लोरोफॉर्म रिड्यूस्ड इनटू एल्केन, एल्केन के नाम पर मेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस एल्कोहल। क्लोरोफॉर्म रिड्यूस्ड इनटू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस एल्कोहल। नंबर तीन की हेडिंग लिखे रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पायरीन का फॉर्मेशन होता है। सिर्फ रिएक्शन को ही दर्शा दीजिए, काफी है। सिर्फ रिएक्शन को ही दर्शा दीजिए। नेक्स्ट नंबर चार की हेडिंग लिखिए रिएक्शन विद एसीटोन। नंबर चार की हेडिंग है रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। लिखिए इसके अंतर्गत क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म NaOH की उपस्थित में, NaOH की उपस्थित में एसीटोन से, एसीटोन से क्रिया करके, एसीटोन से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है। क्या बनाते हैं, क्लोरीटोन बनाता है एसीटोन से क्रिया। एसीटोन है, किससे क्रिया कर रहा है, क्लोरोफॉर्म से क्रिया कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, बॉन्ड के द्वारा ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें होना क्या है, ये मैं बताऊं आपको। ये जो CHCl3 क्लोरोफॉर्म देख लीजिएगा एक बार, इसे ऐसे देखते हैं CHCCl3, ये टूटेगा किस में, ये H प्लस में टूटेगा, CCl3 माइनस में टूटेगा। इसकी बात किया जाए तो ये ब्रेक करेगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि कार्बन की बात किया जाए तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, यानी ये जो H है ये किससे जाके जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से, और ये जो CCl3 ये किससे जाके जुड़ जाएगा, कार्बन से जुड़ेगा। तो ये देखिए फॉर्मेशन होगा क्या, CH3 O ना, इससे जुड़ा H और इस कार्बन से क्या के जुड़ जाएगा, CCl3। इसी को क्या कहते हैं, क्लोरीटोन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरीटोन कहते हैं। तो ये कौन सी बातें थी, एसीटोन कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में जानकारी थी। दर्शा दीजिए, ध्यान में जरूर रखे रहिएगा। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन की बातें किया जाए तो एक प्रकार की औषधि होती है, दवाई होती है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपको नींद नहीं आती है।
क्लोरिडोन नाम की दवाई का प्रयोग अब तब करोगे जब आपको नींद नहीं आती है, और नींद कब नहीं आती है ये बातें आपको पता है, मुझसे बेटर लिखिए इसके एक पॉइंट बना के लिखना है। पॉइंट बना के लिखे क्लोरिडोन का उपयोग, क्लोरिडोन का उपयोग निद्राकारी औषधि के निर्माण में होता है। क्लोरिडोन का उपयोग निद्राकारी औषधि के निर्माण में होता है। नंबर पांच की हेडिंग लिखिए रिएक्शन विद, नंबर पांच की हेडिंग है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नंबर पांच की हेडिंग है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। इसके अंतर्गत देखिए क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके, क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरोपिक्रिन बनाता है। क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्लोरोपिक्रिन बनाता है, होगा इसमें क्या, यहां से क्या मिलेगा OH, यहां से HNO2, ये देखिए H4 ने चले गए, यहां से H, यहां से OH, अर्थात यहां क्या बचा NO2 बचा, यहां क्या बचा NO2 बचा, और यही NO2 इससे जाके जुड़ जाएगा, तो ये देखिए बना क्या C Cl3 NO2 क्लोरोपिक्रिन प्राप्त हो गया। दरअसल अब ये जो क्लोरोपिक्रिन होती है इसका उपयोग कब किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिस समय युद्ध होता उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट बना के लिखिए क्लोरोपिक्रिन का उपयोग, क्लोरोपिक्रिन का उपयोग कीटनाशक, कीटनाशक और युद्ध गैस के रूप में, और युद्ध गैस के रूप में किया जाता है, युद्ध गैस के रूप में किया जाता है। अब नंबर छह की हेडिंग लिखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, नंबर छह की हेडिंग है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, हर साल इससे बातें पूछी जाती है, इससे संबंधित भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस होता है, ध्यान में इसे रखे रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जान लीजिएगा। देखिए क्लोरोफार्म को, क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक, और एल्कोहलिक के ओ एच के साथ, एल्कोहलिक के ओ एच के साथ गर्म करने पर, के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड, के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही, इस अभिक्रिया को ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोफार्म को हम लोग कैसे रिएक्ट करा रहे हैं, एल्कोहलिक के ओएच और क्या होता है प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करा रहे हैं।
आपसे बताया क्या क्या बनते क्या है। एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस KCl जाता है, प्लस H2। रिएक्शन को ध्यान में रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आप केवल एक बात जानिएगा, यहाँ पर R जो है Kc में परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो R है इसी में परिवर्तन किया जाएगा, जो बाकी इसमें किसी भी प्रकार की और कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब दिखाते हैं, यदि R के स्थान पे कुछ ले, जैसे R के स्थान पे हमने क्या ले लिया, CH3NH2 लिए, प्लस किसके बारे में लेना है, KOH है। तो यहाँ क्या आएगा आपके स्थान में, यहाँ के लिए CH3, तो यहाँ आना क्या है, CH3 NC+ KCl प्लस क्या होगा, H2O होगा। अब बात ध्यान दीजिएगा, जो R है वही क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट में CH3NC को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। CH3NC को मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, और ये जो मेथिल आइसोसाइनाइड है ये बहुत ही जहरीली होती है। जैसा कि आपने नाम सुना होगा भोपाल त्रासदी का, उस समय क्या हुआ था, वहां पर एक विषैली गैस का रिसाव हो गया था, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जाने चली गई थी। वो कौन सी गैस थी, यही मेथिल आइसोसाइनाइड थी। वो जो उस समय गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी गैस थी, मेथिल आइसोसाइनाइड ही थी। तो आप ही जान लीजिए ये कितनी खतरनाक होती है। अब यहाँ अगर आर के स्थान पे हम लोग कुछ और भी लें, तो बाई प्रोडक्ट के नाम पर ये देखिए कुछ और बन जाएगा। अगर यहाँ हम लोगों ने ले लिया C2H5NH2 और बाकी इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, एल्कोहलिक के वजह से, तो यहाँ क्या बन जाएगा, C2H5NC हो जाएगा, बाकी ये सब ऐसे ही रहेंगे। अगर फिर मान के चलिए कैसा CL3 है, यहाँ हमने ले लिया C6H5NH2 प्लस ये तो आपका रहेगा ही KOH। आप देखिए किसका फॉर्मेशन होना है फिर, तो अब यहाँ R के स्थान पे C6H5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C6H5NC, बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब बातें ध्यान में रखे रहिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें R से परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का और कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो कार्बन एमीन अभिक्रिया होती है, इसे एक नामों से हम लोग और भी जानते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया के नामों से भी जाना जाता है। पॉइंट बना भी इसी बात को लिखे, इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड, इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा नंबर 7 की, सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया। सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। इसके अंतर्गत देखिए, जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो एसिटिलीन प्राप्त होती है। सिल्वर पाउडर के साथ गर्म किया जाता है तो एसिटिलीन प्राप्त होती है। रिएक्शन को दर्शा दीजिए, यह इस रिएक्शन को भी दर्शा दीजिए। नेक्स्ट नंबर 8 की हेडिंग लिखिए, राइमर टीमन अभिक्रिया।
मराठ की हेडिंग है, राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन रिएक्शन, ये तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये जो राइमर टीमन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं आई हैं, जिसके बारे में ध्यान देना, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी अभिक्रियाएं हैं। ये अध्याय गुण मत करना, कुछ और अभिक्रियाएं तो सिखाएं, उसके बारे में और भी जानकारी देंगे। देखिए जो राइमर टीमन अभिक्रिया है ना, इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल जानकारी है, एक बार आपको देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इस दौरान मैं आपको मैकेनिज्म नहीं सिखाऊंगा। जिस समय हम आपको मैकेनिज्म सिखाएंगे, उस समय हैलोफॉर्म के भी सिखा देंगे, कैनिज़ारो को भी सिखा देंगे, राइमर टीमन के भी सिखाएंगे, फिर एडल क्राफ्ट की सिखाएंगे। थोड़ा सा भी इसलिए रुक रहे हैं क्योंकि उन सब नाम रिएक्शन की एक एक वीडियो जब बनाऊंगा उसमें सारी मैकेनिज्म हो जाएगी, एक बार आपका रिविजन हो जाएगा वहां ढंग समेत, फिर बातें एक बार पुनः आप पढ़ोगे, क्योंकि एक बार आपका पुनः रिविजन हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ इतने बातें पढ़ लेते हैं, इतना आपके लिए बोर्ड एग्जाम से बहुत हो जाएगा, बाकी फिर बातें आपसे कर ली जाएगी। तो राइमर टीमन हेडिंग है, इसके अंतर्गत लिखिए, जब क्लोरोफॉर्म को फिनाल और एल्कोहलिक के ओएच के साथ तीन सौ चालीस केल्विन ताप की उपस्थित में गर्म किया जाता है, तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है फिनाल की क्रिया किससे हम लोग करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं, और साथ में हम लोगों ने क्या लिया है, एल्कोहल के ओएच या एनओएच में भी छाया आपकी एल्कोहलिक के ओएच से कराते हैं, और 340 केल्विन ताप का हाइड्रोजन से लेते हैं, 340 केल्विन ताप का हाइड्रोजन से लेते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए, तो ये क्या बना है, सैलिसिल एल्डिहाइड बना, अपने साथ में क्या करते हैं, KCl जाता है, प्लस क्या जाएगा, H2 हो जाएगा। इसके अलावा ये जो केस की बातें है, राइमर टीमन अभिक्रिया, इसमें फिनाल की क्रिया जब पायरीन से कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसमें एक और होती है, उसे अभी यहाँ नहीं बता, एक बार फिर जब ये आएगी ना, आना इसे चार पांच बार है, एक बार फिर जब आएगी ना, फिर इस अभिक्रिया को रिपीट कर दूंगा, अभी एक जान, उसके बाद फिर रिपीट कर दूंगा। जब क्या होता है, फिनाल को पायरीन और NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, वो भी जान लेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के जान लेंगे, अभी आधी ये जान लेंगे। इसके मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल जानकारी है, आपको दी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके मैकेनिज्म के बारे में भी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना आपके लिए बहुत पर्याप्त है। हेडिंग लिखेगा उपयोग, क्लास में मिलोगे तो डिटेल जानकारी होगी। हेडिंग है उपयोग नंबर एक, वर्तमान में इसका प्रमुख उपयोग फिरे आन पर शीतक R22 बनाने में होता है, नंबर दो लिखिए,
जीवाणुनाशक के रूप में, नंबर दो है जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में, नंबर तीन सुगंधित पदार्थ के रूप में, नंबर तीन सुगंधित पदार्थ के रूप में, नंबर चार, नंबर चार वसा कमा एल्केलाइड, वसा कमा एल्केलाइड कमा आयोडीन, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए, तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में, तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में, अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में। यहाँ पर आने के बाद क्लोरोफार्म से संबंधित बातें समाप्त होती हैं। चैप्टर में अब केवल और केवल दो कंपाउंड के बारे में और जानकारी लेना है, एक टेट्राहेड्रोएल्केन के बारे में और एक फेरेन, दो ही के बारे में हम लोगों को और जानकारी लेना है, दिन बातें समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग पेज के बीच में लिखिए नेक्स्ट पॉली हैलोजन कंपाउंड जो पढ़ेंगे हम लोग, टेट्राहेड्रोएल्केन के बारे में, किसके बारे में, टेट्राहेड्रोएल्केन पेज के बीच में लिखिए, टेट्राहेड्रोएल्केन पेज के बीच में यह लिखना आपको टेट्राहेड्रोएल्केन। अब इसी के प्रिपरेशन मेथड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेंगे। चैप्टर का बिल्कुल भी समापन चल रहा है, दो कंपाउंड एक टेट्राहेड्रोएल्केन एक फेरेन के बारे में जानकारी लेना है। अब टेट्राहेड्रोएल्केन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी तो हम लोग लेंगे, लेकिन आज यहीं पे अपनी बात समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।